मतलब होता है कॉमन सॉल्ट जो हमारे घर में यूज़ होता है। अब हम जो सबसे पहले जो पॉजिटिव टर्मिनल को नहीं लगाएंगे, हम सबसे पहले नेगेटिव टर्मिनल को लगा रहे हैं। यहाँ पर हमारे राइट साइड है नेगेटिव टर्मिनल लगाएंगे हम, और लेफ्ट साइड हम पॉजिटिव टर्मिनल लगाएंगे। ये मैं अभी नेगेटिव टर्मिनल लगा रहा हूँ और ये अब मैं पॉजिटिव टर्मिनल लगा रहा हूँ। आप देख सकते हैं जो NaCl है वो ब्रेक डाउन होगा इस रिएक्शन में और वो बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और पॉजिटिव टर्मिनल पे कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होंगी। और आप देख सकते हैं अब हम एक सॉल्ट ब्रिज बनाएंगे NaCl सॉल्यूशन का। मतलब इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, जो इसके अंदर हम नमक वाले पानी को यानी सॉल्ट वाटर को भर देंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा एक ग्लास से दूसरे ग्लास तक, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये रिएक्शन होगा, जिस रिएक्शन की इक्वेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूँगा ये रिएक्शन स्टार्ट होने लग पड़ेगी। मैंने वोल्टेज थोड़ी सी लो दी है, इसलिए इसे थोड़ा टाइम लगेगा। आप इससे हाई वोल्टेज दे के जल्दी भी कर सकते हैं, मैं कम से कम 5 वोल्ट के साथ करूँगा और ये तकरीबन 10 घंटे में तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं आप अभी अगर आपको ठीक से दिख रहा है तो आप देख रहे होंगे कि रिएक्शन होना शुरू हो गया है, नेगेटिव टर्मिनल्स पर बबल्स आना शुरू हो गए हैं। अब मैं आपको जूम इन करके भी दिखाऊंगा। देखिए अब देखिए यहाँ पर जो हमारे लेफ्ट साइड है वो है हाइड्रोजन गैस निकल रही है जो नेगेटिव टर्मिनल है, और ये देखिए हाइड्रोजन गैस कैसे निकल रही है। ये हमने 5 वोल्ट की सप्लाई दी है इसमें, तो इसमें थोड़ा सॉल्ट ब्रिज का रेजिस्टेंस भी आ गया जिसके कारण थोड़ा सा रिएक्शन स्लो हो गया, बाकी कुछ नहीं। ये देखिए हाइड्रोजन, और यहाँ से क्लोरीन गैस निकल रही है और सॉल्ट मेटल की इम्प्योरिटीज़ ड्यू टू रिडक्शन, और दूसरी साइड हो रहा है ऑक्सीडेशन और इस साइड हो रहा है रिडक्शन। आपको शायद पता होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, अगर नहीं पता तो आने वाली वीडियोज़ में हम इसके बारे में भी बात करेंगे और इसके रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स भी लाएंगे। तो इन दोनों बीकर में बन रही है, ये देखिए 10 आवर्स के बाद क्या होता है। यहाँ पर जो हमारा ये है, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। मैंने इसके टर्मिनल्स चेंज कर दिए थे, ग्लास को इंटरचेंज कर दिया। बाकी तो ये नेगेटिव टर्मिनल है जो हमारा लेफ्ट साइड है, और राइट साइड हमारा पॉजिटिव टर्मिनल कर दिया था मैंने शिफ्ट। यहाँ पर देखिए इम्प्योरिटीज़ आ गई हैं और हमारे यहाँ पर वाइट जैसा कुछ आ गया है, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। आप इसे यूज़ कर सकते हैं सॉल्यूशन, इसे घोल लीजिए मतलब मिक्स कर लीजिए, और ऐसे भी आप रॉ फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप हीट करके भी इसे यूज़ कर सकते हैं।